हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 22nd ऑफ सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप्स फाइनल मीटिंग कमेंसेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर या किस शहर में शुरू हुई। आपके ऑप्शंस हैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या फिर कोरबा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन रायपुर में किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं द फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग ऑफ द G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कमेंस्ड इन रायपुर एंड द ग्रुप फैसिलिटेट्स डिस्कशंस ऑन द लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ऑन की माइक्रो इकोनॉमिक इशूज। इसके साथ ही इस मीटिंग में मोर देन 65 डेलीगेट्स फ्रॉम G20 मेंबर कंट्रीज, इनवाइटी कंट्रीज एंड द वेरियस इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्टिसिपेटिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीरज चोपड़ा इन डायमंड लीग 2023। आपसे पूछा जा रहा है डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नीरज चोपड़ा ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियाज नीरज चोपड़ा फिनिश्ड सेकेंड इन द मेन्स जैवलिन थ्रो इवेंट एट द डायमंड लीग 2023 फाइनल विद द बेस्ट एफर्ट ऑफ 83.80 मीटर। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ डायमंड लीग ट्रॉफी इन 2022 बट कुड नॉट डिफेंड हिज टाइटल एट द हेवर्ड फील्ड। किस रिपब्लिक के जैकब वी, जो कि 2016 और 17 में डायमंड लीग चैंपियन रह चुके थे, उन्होंने इस वर्ष फिर से डायमंड लीग को जीत लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम गिवन टू द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपसे पूछा जा रहा है पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं संविधान सदन, संविधान गृह, संविधान सभा या नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को जो नाम दिया गया है वो है संविधान सदन। यहाँ आप देख सकते हैं द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विल नाउ बी नोन एज संविधान सदन एंड द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट हैज शिफ्टेड टू इट्स न्यू बिल्डिंग। The new building is now the Parliament House of India and terms such as house, lobby and galleries used in the proceedings of the Lok Sabha will refer to the new buildings. बढ़ते हैं next question की ओर। Indian Coast Guard conducted which coastal security drill to strengthen maritime safety and awareness recently? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा और जागरूकता को मजबूत करने के लिए कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन गरुण, ऑपरेशन रक्षक या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस मैरिटाइम सिक्योरिटी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है ऑपरेशन सजग। सो यहाँ देख सकते हैं द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड ऑपरेशन सजग अ कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स इन द कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस ड्रिल सर्व्स टू रिवैलिडेट द कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड रेज अवेयरनेस अमंग द फिशरमैन एट सी। सजग ड्रिल की बात करें तो इट अकर्स मंथली फॉर वन डे इन्वॉल्विंग ऑल कोस्टल सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डॉन टू डस्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रिसेंटली इनॉग्रेटेड तेजू एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में उद्घाटन जिनका किया गया, जिस हवाई अड्डे का, उसका नाम है तेजू हवाई अड्डा और ये काफ़ी खबरों में रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सो द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड द न्यूली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ तेजू एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश एंड द एयरपोर्ट इज करेंटली कनेक्टेड टू डिब्रूगढ़, इम्फाल एंड द गुवाहाटी थ्रू रेगुलर शेड्यूल्ड फ्लाइट्स बाय अलायंस एयर एंड फ्लाई बिग एयरलाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। All reported birth and deaths in the country will be digitally registered on the center's portal from which date? आपसे पूछा जा रहा है किस तारीख से देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को केंद्र सरकार के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं October 1, 2023, December 1, 2023, January 1, 2024 या April 1, 2024। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 2023 से जितने भी सूचित जन्म और मृत्यु होंगी उन्हें केंद्र सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। सो यहाँ देख सकते हैं ऑल रिपोर्टेड बर्थ्स एंड डेथ्स इन द कंट्री विल बी डिजिटली रजिस्टर्ड ऑन द सेंटर्स पोर्टल फ्रॉम October 1 अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल द 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या अहमदाबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं द 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 26 to 27 September एंड इट विल हेल्ड इन मानेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली एंड दिस विल बी द 13th बायनियल इवेंट विच विल बी होस्टेड बाई द इंडियन आर्मी एंड US आर्मी पैसिफिक। आर्मी चीफ ऑफ द 30 इंडो पैसिफिक रीजन्स विल अटेंड द 2-day कॉन्फ्रेंस। तो आप ध्यान रखेंगे इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का ये 13th संस्करण है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।